बहुत बहुत नमस्कार। मैं तरुण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। योग की शक्ति कोरोना से मुक्ति फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन की मुहिम है, जिसके अंदर हम रोजाना 45 मिनट योग करते हैं और योग से कोरोना से मुक्त होना चाहते हैं। चलिए तो आज का सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधा करते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, कमर को सीधा कीजिए, एक लंबा गहरा सांस भरते हुए कंधों को उठाएंगे, चेस्ट ऊपर आएगी और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाएगी। फिर से लंबा गहरा सांस और छोड़ दीजिए, और बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। चलिए उंगलियों को फंसा के ऊपर की तरफ खींचेंगे दोनों हाथों को, सांस भरते हुए फिर से रोक के रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 सांस छोड़ते हुए अपनी दाई तरफ मुड़िए। 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरिए फिर से, सांस छोड़ते हुए अपनी बाई तरफ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। फिर से एक लंबा गहरा सांस और छोड़ दीजिए। चलिए श्वास प्रश्वास करना है हमने सामने देखते हुए, तेजी से सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। कमर को सीधा रखते हुए कीजिए, सामने देखते हुए, आंखें बंद नहीं करनी है। करते रहिए लगातार श्वास श्वास, थक जाए तो रुकेंगे और फिर से शुरू करेंगे। रिलैक्स, आराम से रुक जाएंगे। श्वासों को सामान्य रखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, मन को प्रफुल्लित रखिए। श्वासों को सामान्य कीजिए, बहुत अच्छे।
चलिए कपोर शक्ति विकास करेंगे, पांचों उंगलियों को मिलाइए आपस में, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरिए, श्वास छोड़ दीजिए, नाक बंद कीजिए, मुंह से ब्रीथ इन करते हुए गाल फुलाते हुए नीचे जाएंगे, नीचे रुके रहेंगे, जिन लोगों के गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नहीं झुकाएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, आंखें खोलेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, मुंह खोलेंगे, बहुत अच्छे। चलिए फिर से कीजिए, पांचों उंगलियों को मिलाइए, सांस भरिए, श्वास छोड़िए, नाक को बंद कीजिए, मुंह से आवाज के साथ सांस को भरिए, गालों को फुलाते हुए आंखों को बंद करते हुए नीचे जाएंगे, गाल फूले रहेंगे, कौनिया ऊपर रहेंगी, नीचे रुकेंगे, जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं सांस को सिर्फ उतना ही रोकना है, जो नहीं रोक पाएंगे तो धीरे से ऊपर आके सबसे पहले आंखें खोलेंगे, फिर नाक से सांस छोड़ेंगे, लास्ट में मुंह खोलेंगे, शाबाश, करते रहिए। कपोल शक्ति विकासक, शाबाश कीजिए, एक और बार कीजिए, कपोल शक्ति विकासक करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, दिल मजबूत होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, आंखों के काले गहरे गड्ढे कम होते हैं, कानों से देखने की शक्ति बढ़ती है, आपकी लाइफ बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड ठीक होते हैं, बहुत 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 सारे फायदे। चलिए शाबाश, एक और बार करेंगे, सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, नाक बंद, मुंह से ब्रीदे, गाल फुलाते हुए नीचे, रोक के रखिए जितना एक नीचे रोक सकते हैं, जिनकी कमर गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं झुकाएंगे, ऊपर आके आंखें खोलेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, लास्ट में मुंह खोल देंगे, बहुत अच्छे, आराम से सांसों को सामान्य कीजिए, लंबा गहरा सांस और सांस छोड़ दीजिए, एक और सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे। चलिए गर्दन के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 10 बार कीजिए, 4 5 6 शाबाश, सांसों को विशेष ध्यान रखना है, चलिए साइड टू साइड करना है, कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे और हर बार सांस छोड़ेंगे पीछे देखते हुए, सांसों का विशेष ध्यान, जो भी हम अभ्यास करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, आपको कभी भी बीच में लगे आप अनइजी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कठिनाई हो रही है, तो उसी वक्त रुक जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर से शुरू करेंगे। चलिए कान को कंधे पर लगाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए करते हुए ऊपर, बहुत अच्छे, शाबाश, ये भी 10 बारी, बहुत अच्छे। मुस्कान के साथ करनी है हर चीज, खुश होके करना है, चेहरे पे मुस्कान रहेगी हमेशा, एकदम मस्ती में करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है आपसे, अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए प्रफुल्लित होके करना है। चलिए गोल घुमाएंगे पूरा, सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए, भरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे, सांस भरा पीछे सांस छोड़ा आगे, दो बार और पूरा गोल घुमाना है, आंखें खुली रहेंगी, बहुत अच्छे। अब उल्टा रिवर्स घुमाइए, आंखों को खोल के रखिएगा, ध्यान रखिए आंखें बंद नहीं होंगी, मुंह बंद रहेगा, बहुत अच्छे, पूरा घुमाइए गर्दन को, एक और बार कीजिए और रुक जाइए, बहुत अच्छे,
मुट्ठी को बंद कीजिए, हाथ नीचे या आप घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। अब कंधों को ऊपर उठाना है और नीचे छोड़ देना है पूरा इस तरह से। बहुत अच्छे। अब गाल को फुलाएंगे, मुंह को चोंच की तरह बनाएंगे, हवा को पूरा अंदर लेंगे और गालों को फुलाएंगे और तब करेंगे जब अभ्यास। चलिए सांस भरा, और सांस छोड़ दिया। बहुत अच्छे। जितना आप इजिली कंफर्टेबल सांस को रोक सकते हैं उतना ही रोकेंगे। चलिए फिर से श्वास भरा मुंह से और गाल फुलाया। एंड रिलैक्स, सांस छोड़ दीजिए आराम से। बहुत अच्छे। चलिए दोनों हाथ आगे पीछे लेंगे, आगे क्लैप करेंगे, पूरा पीछे लेंगे, आगे ताली बजाएंगे। आगे पीछे शरीर को हिलाते रहिए, शरीर को हिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रिलैक्स आराम से, सांसों को सामान्य चलने दीजिए और दोनों हाथों को आगे कीजिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। चलिए पूरा ऊपर ब्रीदिंग करते हुए ब्रीदा करते हुए नीचे कलाइयों को पूरा मिलाइए, ऊपर और नीचे, अंगूठा अंदर रहेगा मुट्ठी बंद है, कोहनियां सीधी, सामने देखते रहना है। सांस भरते हुए ऊपर रहेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलिए कोहनियां पीछे, मुट्ठी बंदी है अभी, कोहनियां जितना पीछे तक लेके जा सकते कोहनियां को लेके जाइए और फिर से कलाई को ऊपर नीचे हिलाते रहिए। बहुत अच्छे। रिलैक्स आराम से, कंधों को इस तरह से पकड़िए, एक के ऊपर एक कोहनी को रखिए और नीचे की तरफ दबाइए और गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाइए। बहुत अच्छे। अब हाथ चेंज कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर, फिर से दबाइए पूरा नीचे, कोहनी के ऊपर कोहनी रहेगी, पूरा उठाइए गर्दन को, हाथों को नीचे एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। चलिए अब साइड में अपने स्कैपुला बोन है जो हमारी कमर की हड्डी है पीछे जो त्रिकोण आकार में होती है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़िए धीरे धीरे खिसका के, पूरा खींचिए, पूरा पकड़ेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और दूसरा हाथ ऊपर से आइए, पकड़िए पूरा खींचिए खींचिए। बहुत अच्छे एंड रिलैक्स। चलिए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपने अपनी जगह पे सभी लोग खड़े हो जाइए। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर देता हूँ। ओके वेरी गुड। आइए दोनों हाथ कमर पे रखिए, पैरों को खोल के और गोल घुमाएंगे कमर 10 बारी। 2 3 करते रहिए, घुमाते रहिए, बहुत आराम से घुमाना है। श्वासों को सामान्य चलने देंगे और मुस्कुराते रहेंगे। ध्यान रखिए जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, हमने मुस्कुराते हुए करना है सबका। मन को हमेशा प्रफुल्लित रखने की कोशिश,
मुस्कुरा दे रही है। चलिए चेंज उल्टा भी घुमाना है 10 बार अपनी क्षमता अनुसार। आप स्पीड कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्पीड में भी नहीं घुमाना। वेरी गुड। चलिए घुटने को पकड़ेंगे ऊपर और खींचेंगे। आपको लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना सकते, तो किसी दीवार के सहारे इस तरह से पकड़ लेंगे, या किसी एक हाथ से किसी चीज को पकड़ लेंगे या दीवार को, बस खींचेंगे ऊपर। चलिए दूसरे पैर से दीवार के सहारे भी कर सकते हैं आप। चलिए आपको पकड़ेंगे पीछे से, एक हाथ आगे या किसी वस्तु को या दीवार को पकड़ के थोड़ा झुकेंगे। खींचिए खींचिए, आप पूरा नहीं कर सकते, जितने आप ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे पकड़ के खड़े रहिए, आप आगे नहीं भी झुक पाते हैं। चलिए अपनी क्षमता आप खुद जानते हैं। खींचिए खींचिए खींचिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आराम से दोनों हाथ घुटनों पे, जिन लोगों के घुटने पेन रहते हैं वो पूरा नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ आधा सा जाएंगे और इतना, सिर्फ इतना। जिन लोगों के घुटने बिल्कुल ठीक हैं वो पूरा नीचे बैठेंगे और ऊपर आएंगे। बहुत अच्छे, नीचे जाते वक्त सांस छोड़ना है, ऊपर आते वक्त सांस लेना है। करते रहिए शाबाश, नीचे सांस छोड़िए ऊपर सांस भरिए। बहुत अच्छे है, पैरों को खोल के खोलेंगे, खास पर पोजिशन में आएंगे, दोनों कोहनियां घुटनों के ऊपर और कोहनियों की मदद से घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। धक्का दीजिए, घुटनों को बाहर पुश कीजिए और होल्ड कीजिए सामने देखते हुए, ठीक है। इस तरह से पूरा बाहर की तरफ पुश करना है और रुक जाएंगे। चलिए काफ स्ट्रेच करिए, एक पैर आगे, टो को ऊपर खींचिए, घुटना को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 चेंज दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे, एडजस्ट करेंगे, एक पैर आगे, एक घुटने को आप पीछे रख सकते हैं जमीन पे, आगे की तरफ खींचेंगे और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 चलिए दूसरा पैर आगे, खींचिए ऊपर, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 वेरी गुड, खड़े हो जाएंगे। त्रिकोण आसन करना है, पैर खोलिए, झुकेंगे नीचे। जिन लोगों की कमर में या पीठ में दर्द होता है उस आसन को बड़े ही सावधानी पूर्वक और बहुत धीरे धीरे बिना पूरा झुके हुए करेंगे, पूरा नहीं झुकना है। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 देखना ऊपर वाले हाथ को है। 1 2 3 4 5 5% सेकेंड रुकना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वेरी गुड। चलिए आराम से खड़े हो जाए। प्रति चक्रासन के लिए दोनों हाथ सामने, पैरों को खोल के रखिए शोल्डर के बराबर, पूरा पीछे करना है आपने, खड़े हुए खड़े खड़े करना है कैमरे में आने के लिए, आधा बैठ रहा हूं। पूरा पीछे लेटे हुए सांस छोड़ना है, अच्छे से करते रहिए। बहुत अच्छे, सभी लोग करते रहिए, मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को कैमरा ऑन है, बहुत अच्छे शाबाश, कीप ऑन डूइंग, बिना रुके करते रहिए, पीछे झटके के साथ सांस छोड़ते रहिए, आंखें खुली रहेंगी आपकी, आंखें खोल के रखना है,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिलैक्स, आराम से, आराम से खड़े रहिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरना है, यहाँ पे मुट्ठी खुली हुई, यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे, घुटने को ऊपर लेके आएंगे, करते रहिए, शाबाश, बहुत अच्छे, करते रहिए, कीप ऑन डूइंग, करते रहिए, लगातार करते रहिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा, ऊपर मुट्ठी खुली है, नीचे मुट्ठी बंद, घुटने को उठाना है पूरा, बहुत अच्छे, ओके, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स हो जाइए, बहुत अच्छे, चलिए आराम से बैठिए अपनी जगह पे, आइए मैट पे अच्छे से, सांसों को सामान्य कीजिए, बहुत अच्छे, चलिए अब वज्रासन में बैठिए, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो सीधे, आपने सीधे ही झुकना है, चलिए मंडूकासन के लिए, चलिए दाएं हाथ की मुट्ठी को ऊपर आइए पूरा और नाभि के ऊपर रखिए, दाएं हाथ की मुट्ठी नाभि पे, दूसरा हाथ खुला हुआ उसके ऊपर, चलिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएंगे, माथे को जमीन पे लगाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी कोहनियों को भी नीचे छोड़ लीजिए, और श्वास लेते रहिए यहाँ पे धीरे धीरे, छोटा छोटा सांस आता रहेगा, रुके रहना नीचे ही, तो हल्का हल्का पेट में मध्यम मध्यम सा आपको अनिजी या हल्का सा जो दर्द फील हो रहा है उसको महसूस करेंगे, करते रहिए, नीचे ही रहना है, अभी उठना नहीं है, नीचे ही रहिए, बहुत अच्छे, अब वापस आइए, सांसों को सामान्य कीजिए, चलिए अब वज्रासन में भी बैठ सकते हैं आप और सुखासन में भी आ सकते हैं, आइए आराम से, सामान्य एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, सांसों को सामान्य चलने दीजिए, बहुत अच्छे, चलिए अब दोनों हाथ सामने सामने की तरफ रख दीजिए या घुटनों के ऊपर रख के सामने की तरफ झुक जाइए, दोनों तरफ, दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं, हाथ किस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें आगे की तरफ झुकना है, ठीक है, चलिए थोड़ा आगे की तरफ झुकेंगे,
और पूरा गहरा श्वास भरेंगे, अग्निसार करना है हमने, पूरा श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे पूरा, और उसके बाद पेट को अंदर बाहर करेंगे और ध्यान रखिए सांस को रोक के रखेंगे। जितना आप आराम से इजीली और कंफर्टेबल सांस रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, पेट को हिलाएंगे और छोड़ देंगे और बार 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 करेंगे। चलिए पेट को अंदर बाहर इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करते रहिए, अंदर बाहर अंदर। जितना आप सांस रोक के कर सकते हैं उतना करेंगे, उसके बाद सांस नॉर्मल कर देंगे और नॉर्मल बन जाएंगे, ठीक है। फिर रुकेंगे कुछ सेकेंड और फिर से शुरू कर देंगे। हिलाते रहिए अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, बनने दीजिए पेट में पूरी अग्नि, जितनी अग्नि बनेगी उतना आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, सारे टॉक्सिक्स जितने जहरीले पदार्थ हैं सब जलेंगे। रिलैक्स। चलिए फिर से एक और बार श्वास भरा, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर बाहर करते रहिए, इन आउट 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 इन इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करते रहिए लगातार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है। लगता है कि आप थक गए हैं तो रुकेंगे और अपने आप फिर से शुरू कर देंगे कुछ सेकंड। Now relax, आराम से। चलिए हमने विपरीत करना है, समझ लीजिए करना कैसे है। हमने पूरा कुंभक भी करेंगे, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों डीपली। श्वास भरेंगे पूरा अंदर, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ देंगे, फिर 5 सेकंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ देंगे। बहुत अच्छे, इसी को कंटिन्यू करते रहिए, हर बार पूरा श्वास भरना है, 5 सेकंड रुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर 5 सेकंड रुकेंगे। सीधे बैठे हुए जब भी श्वास भरेंगे कंधे ऊपर आएंगे, चेस्ट ऊपर आएगी, श्वास छोड़ते हुए कंधे और चेस्ट नीचे जाएंगे। हर बार 5 सेकंड रुकना, ध्यान रखिए 5 सेकंड श्वास भर के रुके, 5 सेकंड श्वास छोड़ के रुके, करते रहिए। बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम मस्ती में करना है, मस्त होके मुस्कुराते हुए चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लेके आइए चेहरे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग, पूरी मस्ती में कीजिए, पूरा आनंद उठाइए इस पल का, पूरे आनंदित होके कीजिए, करते रहिए। सांस भरते हुए पूरा ऊपर, चेस्ट ऊपर आएगी, शोल्डर ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट नीचे जाएगी, शोल्डर नीचे जाएंगे। ध्यान रखिए हर बार 5 सेकंड रुकना है, सांस भरा 5 सेकंड रुके, सांस छोड़ा 5 सेकंड रुके, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों करते रहना है, रोकना है श्वास को 5-5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड ऊपर रुके, 5 सेकंड सांस छोड़ के रुके। अपने अपनी क्षमता के अनुसार, थोड़ा अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट किया और फिर से शुरू कर दिया, लेकिन करते रहना है, करते रहिए करते रहिए। शाबाश, बहुत अच्छे, सांस भरा, सांस छोड़ा,
श्वास भरा श्वास छोड़ा। हर बार 5 सेकंड रुकना है। बहुत अच्छे शाबाश। वेरी गुड। रुक जाएंगे आराम से, आराम से रुकेंगे। अब अपने अपना सांस काउंट करना है कि हम कितनी देर अंदर श्वास भर के रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए श्वास भरेंगे और अपने अपना। चलिए लंबा गहरा श्वास और सांस रोक लिया। ऊपर रोक के रखिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखना है। रोक के रखिए, जब नहीं रोक पाएंगे तब छोड़ेंगे और फिर से भरेंगे। 3 बार करेंगे इसी क्रिया। बहुत अच्छे, जितना देर रोक सकते हैं रोकेंगे, सांस को रोक के रखेंगे, जब नहीं रोक पाएंगे तब छोड़ेंगे। जब भी सांस को छोड़ेंगे एकदम शरीर को ढीला छोड़ देना है, चेस्ट नीचे आ जाएगी, शोल्डर नीचे आ जाएंगे और फिर से सांस भर लेंगे पूरा और रोक लेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। सिर्फ 3 बार करना है हमने, अपना काउंट करना है और ये क्रिया आपने डेली करनी है अपने। इससे आपको प्रोग्रेस पता लगेगा, आपके लंग्स कितने खुलते जा रहे हैं रोजाना रोजाना। अगर आप 2-2 सेकंड भी ज्यादा करते रहेंगे, 1-1 सेकंड भी ज्यादा रोकेंगे रोजाना, 1 सेकंड आज रोका ज्यादा, 1 कल 1 कल, इस तरह से कम 30 दिन में आप 30 सेकंड ज्यादा रोक पाएंगे अपने सांसों के अंदर। यानी कि आप 30 सेकंड और ज्यादा आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी है ऑक्सीजन लेने की, हवा को अंदर ले। तो हर रोज कोशिश कीजिए 1-1 सेकंड ज्यादा करते जाइए। बहुत अच्छे शाबाश, रिलैक्स हो जाइए आराम से, सीधे बैठेंगे कमर को। चलिए भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे आप पूरी एनर्जी के लिए। दोनों हाथों को उठा लीजिए ऊपर, सांस भरिए और सांस छोड़ना है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, करते रहिए मुस्कान के साथ। रुक जाइए आराम से, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद रखिए, एकदम शांत बैठ जाइए बिना हिले डुले, आंखें बंद। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए। यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में घूम रही है। चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद, कमर सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आपका शरीर शिथिल रहेगा एकदम, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान बराबर रहेगी। फील द एनर्जी को फील कीजिए। पूरी एनर्जी को फील कीजिए। और अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लगा दीजिए। मूलाधार चक्र आपका रूट चक्र है, बिल्कुल
नीचे वाला जहां से हम स्टूल पास करते हैं माइनस पॉइंट, जहां से हम पॉटी जाते हैं उस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बंद रखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे। जैसा कि मैंने बताया मूलाधार चक्र आपके एनस पॉइंट पर स्थित है, जहां से हम पॉटी जाते हैं, जहां से स्टूल पास करते हैं। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे लगा दीजिए और मुस्कुराते रहिए। हंस अंदर आती हुई श्वास के साथ मूलाधार चक्र को थोड़ा संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे हल्का सा, और श्वास छोड़ते हुए छोड़ देंगे। कमर को सीधा रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ छोड़ देंगे। मुस्कुराते हुए करना है हमने, चेहरे पे मुस्कान रहेगी। मूलाधार चक्र को संकुचित करते रहिए, कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, ऊपर की तरफ कीजिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ देंगे। हर आती हुई सांस के साथ कॉन्ट्रैक्शन और हर जाती हुई सांस के साथ ढीला छोड़ेंगे। करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। अपना पूरा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र पे और सांस, भरते हुए सांस के साथ कॉन्ट्रैक्शन, छोड़ते हुए सांस के साथ रिलैक्स। मुस्कुराते हुए करना है, कमर सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे बड़ी मुस्कान। हर आती हुई सांस के साथ कॉन्ट्रैक्शन, मूलाधार चक्र को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हर जाते मुस्कुराते हुए करना। करते रहिए आराम से करते। हर आते ही श्वास के साथ मूलाधार ऊपर खींचेंगे, जाते ही श्वास के साथ चेहरे मुस्कान रहे। करते रहिए आराम से। चलिए रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद ही रखिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और ओम का उच्चारण करें। श्वास भरिए, दोबारा और करेंगे।
हाथों को रगड़ेंगे आपस में, दोनों हथेलियों को रगड़िए, गर्म होने दीजिए दोनों हथेलियों को, लगाइए चेहरे पे, आंखों पे, माथे पे, दोनों गालों पे, कानों को कवर करेंगे, गर्दन पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे, अब कंधों से होते हुए हाथों पे, पेट पे, कमर पे, छाती पे, पैरों पे, सब पे घुमा देंगे अपने, आंखें बंद ही रहेंगी, ध्यान रखिए। चलिए फिर से हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे प्रार्थना के लिए। एक लंबा गहरा सांस भरिए, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को याद कीजिए, अपने गुरुजनों को ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, विश्व में शांति बनी रहे, सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हो, निरोगी हो, मेरा जीवन विश्व के, देश के, समाज के और मेरे परिवार के काम आए, मेरे द्वारा, मेरे मन, वचन और कर्म के द्वारा कभी भी किसी को कोई दुख या कष्ट ना पहुंचे, ऐसी कामना कीजिए। और दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख दीजिए, अंदर आंखें खोलिए, टिमटिमाइए और हथेलियों को देखते हुए, हाथों को दूर देखते हुए जाइए। हरिओम।